स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क प्रोग्राम्स एंड चेकलिस्ट। हमारे पास दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं एक ट्रेडिशनल ऑडिटर्स होते हैं जो हर साल कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं उसे हम एक्सटर्नल ऑडिट भी कहते हैं उसे हम स्टेचुटरी ऑडिट भी कहते हैं और इसका काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि कंपनी की प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट होती है उनको देखना कि जो ये शो करी है ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब एज पर रेकॉर्ड है कि नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब इसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट उमिशन या मैनिपुलेशन तो नहीं है सेकेंड टाइप ऑफ ऑडिट हमारा ये हम जो हम जो कोर्स कर रहे हैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का फ्रॉड एग्जामिनेशन का कि जब फ्रॉड होने वाला होता है या हो चुका होता है तब हम उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं इसका स्कोप और ट्रेडिशनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट और स्टेचुटरी ऑडिट इन दोनों का रोल आपस में बहुत ज्यादा फर्क है ठीक है अब हम थोड़ा सा यहां पर एक कंपैरिज़न भी करेंगे ट्रेडिशनल ऑडिट वर्सेस फ्रॉड एग्जामिनेशन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे जो ट्रेडिशनल ऑडिट होता है जब भी मैं ट्रेडिशनल ऑडिट कहा समझ लीजिए कि एक्सटर्नल ऑडिट की बात हो रही है समझ लीजिए स्टेचुटरी ऑडिट की बात हो रही है ऑल इज अ सेम थिंग तो ट्रेडिशनल ऑडिट जब भी होता है याद रखें जो कंपनीज का हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसका अगले तीन साल ऑडिट करेंगे चार साल तक ऑडिट करेंगे पांच साल तक या दस साल तक भी हम उसका ट्रेडिशनल ऑडिट अगर हम कर रहे हैं तो हम सेम प्रोसीजर्स ही लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली सेम तरीके से ही ऑडिट करेंगे जो इस साल ऑडिट किया जो उसके वर्क प्रोग्राम्स या चेकलिस्ट जो बनी होगी अगले साल भी हम वही फॉलो करेंगे उससे अगले साल भी वही फॉलो करेंगे और उससे अगले साल भी वही फॉलो करेंगे ए कंपनी अगर एक बी कंपनी का ऑडिट है ए एक साल अगर हमने जैसे ऑडिट किया उसका बी सेकेंड ईयर में भी बी कंपनी की सेम चेकलिस्ट रहेगी थर्ड ईयर में भी सेम रहेगी फोर्थ ईयर में सेम रहेगी क्योंकि इनके प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इनका मकसद ये नहीं होता कि फ्रॉड को पकड़ना इनका मकसद होता है अश्योरेंस देना एक सेटिस्फेक्शन देना डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड टू एंड फेयर व्यू ठीक है फ्रॉड पकड़ना नहीं होता तो so, देखें थर्ड uh, पैराग्राफ में आइएगा बिकॉज ऑडिट्स आर फेयरली स्टैंडर्डाइज द वर्क प्रोग्राम एनश्योर डेट ऑल क्रिटिकल वर्क इज कम्पलीटेड all important questions have been answered and all key concerns are documented okay lekin jo fraud ki checklist hogi fraud investigations ki uski little resemblance hogi inki checklist ke sath wo kyun resemblance little hogi kam hogi kyunki external audit आपने हर साल एक जैसा करना है एक जैसे procedures लगाने हैं वो company भी same ही रहती है लेकिन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हर कंपनी के अंदर फर्क होती है कभी किसी प्रोक्योरमेंट में फ्रॉड हुआ तो कभी हो सकता है सेल्स में फ्रॉड हो कभी हो सकता है एसेट्स की चोरी करने में फ्रॉड हो तो कभी हो सकता है एक्सपेंसेस में फ्रॉड कर लिया हो तो क्योंकि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो है वो हर कंपनी में फर्क होती है तो इसके लिए आप टेंडराइज टेकलिस्ट नहीं बना सकते जो कि आप हर इन्वेस्टिगेशन में यूज करें तो हम यहां पे यह कह सकते हैं कि आप हर इन्वेस्टिगेशन के लिए सेम चेकलिस्ट यूज नहीं कर सकते फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जबकि आप ट्रेडिशनल ऑडिट के अंदर सेम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं ओके okay. जो जनरल चेकलिस्ट होती है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस की वो काम भी बहुत थोड़ी आती होती फ्रूटफुल नहीं होती है तो इसके लिए आपको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं आपकी चेकलिस्ट बन रही होती है तो जब आपको ह्यूज एक्सपीरियंस हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी चेकलिस्ट फिर तकरीबन तैयार हो चुकी होती है अच्छा इसमें एक जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो देखिएगा अनलेस यू हैव वर्कड इन ट्रेडिशनल ऑडिटिंग रोल इट मे बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड जस्ट हाउ हेविल स्टाफ रिलाईज ऑन दर्क प्रोग्राम्स एंड प्राई यर्क अगर आपने ऑडिट में काम नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा कि ये कैसे हो सकता है बट रियालिटी में ऐसे ही होता है जो ट्रेडिशनल ऑडिटर्स होते हैं वो एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट तक काम जो पिछले साल किया था इस साल भी वैसा ही करेंगे बस फिगर्स चेंज होंगी जो टेन टू फिफ्टीन परसेंट का काम वो चेंज करते हैं वो इस वजह से करते हैं जो पूरे साल में थोड़ी सी चेंजेस आई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई होती है उसकी वजह से वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट कर लें आप ट्वेंटी को आप थर्टी परसेंट कर लें फिर भी आप देखेंटी परसेंट काम आप एक जैसा कर रहे हो थर्टी परसेंट आप न्यू कर रहे हैं तो सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा रेलिवेंट चेकलेस टू असिस्ट इन फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉडेस्टिगेशन आर डेवेलप्ड ओवर टाइम एज अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर मू गेंस मोर एक्सपीरियंस इन द फील्ड तो so, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा उसकी चेकलिस्ट प्रिपेयर होती रहेगी लेकिन सेम चेकलिस्ट उसकी जो है वो नहीं हो सकती हर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जिस फर्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सेट ऑफ चेकलिस्ट दैट विल हेल्प फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स अक्रॉस द बॉर्ड बिकॉज ऑफ वेरिंग टाइप ऑफ केसेस सो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स विल यूजली डिवेलप देयर ओन चेकलिस्ट एज दे गेन मोर एक्सपीरियंस इन द फील्ड तो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस करेंगे इन शॉर्ट वैसे वैसे उनकी चेकलिस्ट डिवेलप होती चली जाएगी क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन पिछली इन्वेस्टिगेशन से फर्क होती है